एवरीवन, मैं आभा खत्री। आज मैं आपके लिए क्विक रेसिपी लेके आई हूँ, कॉलीफ्लावर भुर्जी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कॉलीफ्लावर भुर्जी बनाने के लिए हमें चाहिए एक छोटा कॉलीफ्लावर लिया है मैंने, उसे क्रश कर लिया है एकदम बारीक, और ऑनियन लिया है एक ग्रीन चिली, दोनों मैंने फाइनली चॉप कर ली है। फिर एक टोमेटो चॉप कर लिया है बारीक, लेमन जूस है आधा चम्मच, कोरिएंडर लीव्स है, रेड चिली पाउडर आधा चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच, नमक आधा चम्मच और थोड़ी सी एकदम पिंच हल्दी ली है, ऑयल लिया है दो चम्मच और जीरा लिया एक चम्मच। आइए हम बनाते हैं कॉलीफ्लावर भुर्जी। अब हमारा ऑयल गरम हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे जीरा, फिर ऑनियन और ग्रीन चिली। ऑनियन को लाइट ब्राउन होने देंगे, हमारा ऑनियन लाइट ब्राउन हो चुका है। अब इसमें टोमेटो डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। हल्दी पाउडर, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गरम मसाला, अब हमारा कॉलीफ्लावर डाल देंगे इसमें। हम भुर्जी बना रहे हैं इसलिए हमें टोमेटो को ज़्यादा पकाना नहीं है, थोड़े से क्रंची आना चाहिए। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, इसे हाई फ्लेम पे बस 2 मिनट तक पकाना है। अब इसमें हम कोरिएंडर लीव डाल देंगे और गैस बंद कर देंगे। लास्ट में इसमें हम लेमन जूस डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, तैयार है हमारी भुर्जी, जो विंटर में गरम गरम खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। इसे मैं सर्व करूंगी पराठा के साथ। फ्रेंड्स, रेडी है कॉलीफ्लावर भुर्जी, इसे मैंने पराठे के साथ सर्व किया है। थैंक यू।